अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है शान ब्लॉग्स पर आप तमाम लोगों का। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान बिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिनी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं और बिनी से हम ख़ास बातचीत करेंगे। बिनी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ सुना है इनके बारे में कि काफ़ी चीज़ें ये जानती हैं, बड़ा कुछ अच्छा इंटरेस्टेड हैं काफ़ी चीज़ों में। तो इसी सिलसिले में इस वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों को उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेहरबानी करके आखिर तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं बिनी हमारे साथ मौजूद है। तो बिनी, सबसे पहले तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएँ कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं, क्या करती हैं, थोड़ा बताएँ। हेलो, माय नेम इज़ गुलशन अंसारी। मतलब मेरा नाम गुलशन अंसारी है बट मेरा निकनेम बिनी है, तो लोग मुझे बिनी नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, गुलशन नाम से नहीं जानते हैं। और मैं भैया की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं इनकी सारी वीडियोस देखती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने मतलब अभी मुझे पता लगा ना कि आप यहीं पे हैं, आपका स्टूडियो यहाँ पे, पहले आपका कहीं और स्टूडियो था, तो वहाँ तक मैं आ नहीं सकती थी, यहाँ मुझे क्लोज है, तो फिर मैं आई हूँ आपसे मिलने। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपकी हर वीडियोज़ देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख के, बहुत सीख है उसमें। अगर हम मतलब देखें ना, दिमाग से देखें तो उसमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं और इनफैक्ट उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि मैं आपको बिनी नाम से पुकारूं या गुलशन नाम से? आप मुझे बिनी नाम से ही पुकारिए क्योंकि मेरा निकनेम बिनी है और मुझे पसंद भी वही है, मेरा नाम बिनी। तो दोस्तों, इनका बिनी नाम लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो बिनी, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में हूँ, 12th तो अभी नहीं हुआ है मेरा, अभी 10th में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, आप 11th में? मतलब यस, हाँ 11th में। कौन से शहर में रहती हैं आप? पीलीभीत में ही रहती हूँ। तो दोस्तों, बिनी जो है पीलीभीत में रहती है और पीलीभीत में ही मैं रहता हूँ। बिनी को पता लगा कि मैं यहीं पर हूँ आसपास, तो बिनी तलाश करते हुए ये हमारे घर तक आ गई और बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करते हुए। तो बिनी, क्या एक्सपीरियंस है आपका लाइफ में? आप जगह जगह आ जा सकती हैं बिना किसी डर खौफ के, आप यहाँ तक आ गई, क्या है ऐसा? नहीं, लड़कियों को बड़ा डर लगता है कहीं जाने में, ऐसा क्या है आपके साथ जो आप कहीं भी चल देती हैं? क्या है, क्या सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे खुद पर भरोसा है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं कभी मेरे साथ। और अच्छा। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा खुद पे हमेशा भरोसा ही रखना चाहिए कि हमारे साथ कभी ऐसा हो ही ना। और बाई चांस हो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, कुछ भी हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को हमेशा इंजॉय करके रहना चाहिए। कभी ये नहीं है कि इमोशनल है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है कि ये नहीं कि मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत सी बातें हो जाती है, कोई सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हाल ही में मेरी एक फ्रेंड थी कोमल नाम है, उसका भाई मतलब कुछ हो गया, वो घर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो उसने सुसाइड कर लिया। तो कभी भी ऐसे कदम तो उठाने ही नहीं चाहिए हमें। कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसे सोल्यूशन ढूंढना चाहिए हमें। हमें नहीं आ रहा है, हम दूसरों के पास हेल्प दे सकते हैं, अपनी फैमिली को शेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम। तो मतलब ये है कि हम ठीक हैं या हम सही हैं तो सब सही है। हाँ, हम सही हैं तो सब सही है। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे मेन बात यही है कि हम ठीक हैं तो सभी ठीक है। अच्छा। अब लोग बोलते हैं, हमारे मोहल्ले में काफ़ी लोग बोलते हैं कि लड़की जीन्स पहन रही है, उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नकाब में रहना चाहिए। तो वो तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना, हम किस कपड़े में हैं क्या नहीं। हम अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, कपड़ों से कुछ नहीं होता है। अब लोग काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी लोगों का एतराज़ भी है जीन्स में, काफ़ी लोग मतलब एक्सप्लेन करते हैं, हमारी तरफ ही लोग हैं कि बोलते रहते हैं कि जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो क्या मतलब क्यों नहीं करना चाहिए, उनके शौक हैं वो करेंगे ना। चलिए, वो अपने शौक हैं पूरे करें जैसे भी है। फिलहाल अगर आप खुद सही हैं तो सब सही हैं, अगर आप खुद ही सही रास्ते पर नहीं हैं तो फिर पूरा जो दुनिया है वो सब गलत आपको दिखेगी। हाँ। अगर आप सही हैं तो आप सब आपको जो है पॉजिटिव आगे दिखना शुरू हो जाएगा। ये बिनी का कहने का मतलब है। तो बहरहाल बिनी, आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या जानना चाहती थी आप, क्या ऐसा लगा कि आपको यहाँ तक आई और ये सब क्या आपके दिल में ऐसा क्या? मैंने देखा है आप एक्सप्लेन अच्छा करते हैं, आपकी बातों से लगता है इंसान को, कुछ कुछ लोग होते हैं ना परेशान रहते हैं तो किसी ना किसी बात से सुन के आपकी बातें, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, उसमें सीख है काफ़ी। अब मैं चाहती थी आपसे मिलना। मैं तो आपको आपको डर नहीं लगता है मुझसे? क्यों डर लगेगा आपसे? आपसे क्यों लगेगा डर? नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, अगर कोई मेरे से कॉल करता है या कोई वीडियो कॉल कर लिया तो वो कहता है मैं वीडियो देख के तो बड़ा डर लग रहा था, वहाँ अजीब ही माहौल था और यहाँ तो फिर एक नॉर्मल। तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। एक्चुअली बात ये होती है ना कि जब हम कोई चीज़ शूट कर रहे हो तो हमें उसमें सीरियस रहना चाहिए। अच्छा, मतलब शूटिंग हो रही है इस वजह से आप सीरियस हो, बाकी डरती हो? नहीं, क्यों डरूंगी मैं, ऐसे थोड़ी ना डरूंगी, आप मुझे मार थोड़ी ना रहे। ये ना, हम जैसे कि एग्जाम देने जाते हैं ना, जब हम क्लास में होते हैं तब हम इंजॉय करते हैं, अच्छा ठीक है, मस्ती करते हैं। जब हम एग्जाम टाइम होते हैं ना तब हम मस्ती नहीं करते हैं क्योंकि हम उस टाइम एकदम सीरियस होते हैं।
तो जब आप वीडियो बनाते हैं तब एकदम सीरियस रहते हैं और थोड़ा फेस का लुक आपका चेंज रहता है। अभी तो लग ही नहीं रहा कि आप वही इंसान है, आपको चेंज लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम आई तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आप ही हैं या कोई और है। अच्छा, तो और कुछ जानना चाहती हैं मेरे बारे में आप? क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ आपकी हॉबीज क्या है, आपको पसंद क्या है, आप क्या क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में अभी तक? आपने मतलब ये वीडियोस बनाना कब से स्टार्ट किया आपने? बिनी, हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं। अभी तो फ़िलहाल के टाइम में सिर्फ आवाम की खिदमत है, लोगों तक मदद पहुंचाना हमारा मकसद है। लोगों की जो परेशानियां हैं उनसे उनको निजात मिले, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करके उन तक पहुंचाएं, वो उसके ज़रिए मदद मिले किसी भी शक्ल में। हालांकि बहरहाल मतलब यही कि उनको मदद मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों से उनको निजात मिले, यही हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी हमारे साथ टीम है, हमारा जो भी पूरा प्रोसेस है बाकी, वो तमाम लोगों का बस एक ही एम है, टारगेट है कि लोगों की मदद हो, लोग बच सकें। बहुत सारा फ्रॉड स्कैमिंग से चलता है सोशल मीडिया पर, इन तमाम चीज़ों से अवेयर करना, लोगों को सही गाइडेंस देना, सही दिशा में ले जाना। मतलब ये सोच आपने कब से स्टार्ट की है, कब कितना टाइम? तकरीबन ये कहानी जो शुरू हुआ, सफ़र जो सोशल मीडिया का हमारा शुरू हुआ है, तकरीबन 2018 से शुरू हो गया था। 3 साल तो मुकम्मल हुए इस पर, अभी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। एक सेकंड, किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं देख लिया, कोई फ़ोन कर रहा है। तो बहरहाल ये जो सोशल मीडिया का जो सफ़र हुआ शुरू, 3 साल इसको मुकम्मल हो गए। और इससे पहले से जो था सोशल मीडिया पर नहीं था, तमाम चीज़ों का अध्ययन करना, स्टडी करना, वहाँ पर हम लोग मशरूफ़ थे। उसके बाद मामला ये हुआ कि 2018 के बाद से हम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो आप सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, आप तो एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को समझाते हैं इतना कुछ, या पहले से ही सोच रखा था आपने, या फिर सोशल मीडिया पे आने के बाद आपको ये सब मतलब आपने ये सब बोलना स्टार्ट किया है? देखो, ये जो है ना, मैं तो फर्स्ट डे से इसी तरीके से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, 3 साल हो गए मुझे इसी चीज़ को लेकर के। हालाँकि मेरे ये पहले भी सोच थी, लेकिन उस समय हमारे पास सही प्लेटफॉर्म नहीं थे। हालांकि इंडिया में इतना यूट्यूब के बारे में ऐसा कुछ था नहीं, जब से थोड़ा ये चीज़ें आई सामने निकल करके, यूट्यूब वगैरह या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह, तो तभी से ये चीज़ें हमने डिलीवर करना शुरू की, लोगों को पहुँचाना, एक्सप्लेन करना। उससे पहले भी सोच यही थी, लेकिन उस समय हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मौजूद नहीं था, तो बस यही था कि चीज़ों को हम लोग सीखते थे, मन में थी, लेकिन वो जब से प्लेटफॉर्म रहा आगे एक्सप्लेन करना शुरू। तो मतलब पूरा कहने का मतलब आपका ये है कि जैसे आप रियल लाइफ में हैं वैसे ही आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, या रियल लाइफ में आप अलग ही हैं? जी, आप मुझे बेहतर बताएं कि मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ और सोशल मीडिया पे। देखिए, सोशल मीडिया पे आप थोड़े स्ट्रिक लगते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे मैंने कभी ऐसा देखा नहीं आपको कि आपने थोड़े मतलब इधर उधर घूमना फिरना आपको पसंद है? घूमना फिरना मुझे पसंद है और मैं घूमता भी हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, कई सारे लोगों से मिलता भी हूँ। अभी मैं नैनीताल गया, नेपाल के लिए गया, आगरा के लिए गया, अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में गया, कई जगहों पर गया, लोगों से मिला भी। तो घूमना फिरना पसंद है, लेकिन आज के टाइम में मशरूफियत, यानी कि समझा जाए कि वक्त कम है, काम ज़्यादा है, इसकी वजह से बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है। शौक़ ज़रूर है, घूमने का मतलब शौक जी। और आपको खाने में क्या पसंद है? आपने मतलब ब्लॉग में बताया, मैंने आपको देखा आप चावल खाते हैं। हाँ, ये सच है, मुझे चावल खाना पसंद है। चावल खाना पसंद किसी वजह से हुआ, क्योंकि हमारे जो डाइट प्लानर हैं, तमाम चीज़ें ना, सारे चीज़ें जो हैं लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे कि कोई हमने अपना हायर कर रखा है बंदा पर्सनली, वो हमें समझाता है कि आप इस तरीके से डाइट को मेंटेन करें, इससे लंबे समय तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप सही रहेंगे। तो उसी तरीके से अकॉर्डिंग और थोड़ा जो हाइट वाइट क्या बोलते हैं इसको, आप कहिएगा कि बॉडी वगैरह आपका सही रहेगा, एक तरीके से फिटनेस के तौर पे वो हमें सजेस्ट करते हैं जी। तो मतलब आपने देखा है काफ़ी लोगों को बाहर, आप जब बाहर जैसे कि आप ज़्यादातर वीडियो बनाने में व्यस्त रहते होंगे, आपको कहाँ टाइम मिलता होगा लोगों से मिलने? सवाल तो बहुत सारे हो गए, अब मैं आपसे कुछ आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स पूछिए। अच्छा, तो आपको क्या क्या कोई पढ़ना का कोई शौक है, कोई चीज़ें? नहीं, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। कोई अशार, कोई शेर, आपको नात वगैरह कोई याद आती है? हाँ जी, नात मुझे आती है, थोड़ी आती है, मतलब सिंगिंग में ज़्यादा करती हूँ, सॉन्ग वगैरह। सिंगिंग आप यहाँ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, ठीक है मैं तो आप मुझे थोड़ा सा एक दो शेर सुनाएं जो किसी नात से ताल्लुक रखते हो। ओके, तो मैं माँ के ऊपर सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल, माँ के ऊपर सुनाएं।
खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जमीन छीन ले, जमीन छीन ले आसमां छीन ले, मगर मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। बेशक बहुत अच्छा पढ़ती हैं बिनी, माँ के ऊपर ये पढ़ रही हैं अशआर हैं कुछ, ये माँ वाली ये जो नात है ना वहाँ से ये अशआर हैं, आप ही अच्छा पढ़ती हैं आप। थैंक यू। सबसे पहले तो बिनी, ये आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, अक्सर लोग ये वीडियोस देखते हैं, मोहब्बत वाली वीडियोस देख लेते हैं, कोई प्यार वाला मैटर होता है किसी का ना, किसी का घर टूट गया होता है ऐसा। हाँ। आपका भी कोई ऐसा मैटर कुछ क्या देखा आपने वीडियो, कौन सी वीडियो? मैंने आपकी वीडियोस देखी। हाँ, मैंने काफ़ी देखी, मैंने कमेंट भी पढ़े उसमें। नहीं, वो पढ़ना पढ़ाना आप छोड़े, मुझे ये बताया कोई प्यार मोहब्बत का मैटर था आपका, क्या था? नहीं, मैं मतलब ये इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। किन चीज़ों में आप बिलीव नहीं करती? लव में, अरेंज लव मैरिज में भी बिलीव ज़्यादा नहीं करती हूँ, अरेंज मैरिज में ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, और ये चक्कर पसंद नहीं है। ये चक्कर पसंद नहीं। तो बिनी को, मेरा सवाल तो मुकम्मल हुआ ही नहीं, इसका जवाब तो थे, आपने कौन सी वीडियो देखी है ऐसी? मेरी कौन सी वीडियो देखी, कोई एक वीडियो बता। वीडियो देखी है सर, मेरे को मजाक कर रहे हैं वो, मैं मतलब फर्स्ट टाइम आपसे मिली हूँ ना, एकदम नर्वस हो रही हूँ। जो मैंने आपकी वीडियोज काफी अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्या एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा बता। मैं आपसे पूछूं, मैं बताऊं आप, मैं बताऊं आपको मैंने कौन सी वीडियोस देखी है आपकी। मैंने आपकी देखी है वीडियोस की, मुझे मत करो ठीक है, सब कुछ गड़बड़ कर दी आपने। बिनी बोल नहीं पा रही है, मैं कौन सी वीडियोस देखी, सभी वीडियोस देख रखी है मैंने, मतलब काफी वीडियोस देखी है ना, बहुत वीडियोस देखी है, तो मैं याद है मुझे, बट सब मिक्स याद आ रही है कि कौन कौन सी किस में किस में है। मतलब सारी वीडियोस देख ली है बिनी ने, इस वजह से वो कुछ किसको बताया हो ये मामला हो। अच्छा अच्छा और कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? हाँ जी, चाहती हूँ मैं पूछना आपसे एक क्वेश्चन और। आप अपनी शादी कब करेंगे पहले मुझे? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप मैरिड है या अनमैरिड है? नहीं, पहला सवाल आपका ये है कि आप शादी कब करेंगे, उसके दूसरे बाद ये आप मैरिड एंड मैरिड सवाल के कैसे ये उलझे हुए क्यों? उलझे हुए इसलिए हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से हैं आप, कहाँ से हैं? नो, आई डोंट लाइक दिस राजनीति पार्टी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट मुझे पॉलिटिशियन वाले बिल्कुल लोग पसंद ही नहीं है। बिनी अभी मैं अनमैरिड हूँ और कोई शादी वादी वाला चक्कर अभी है नहीं ऐसा कुछ। और इंटरेस्ट है आपको शादी में? शादी में इंटरेस्ट किसको नहीं होता? क्यों, काफी लोग हैं जिनको नहीं होता, मुझे नहीं है शादी में इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं है। तो अभी थोड़े थोड़े जैसे जैसे आप आगे डेवलप होते जाओगे, एक लिमिट आएगी, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। नहीं, देखा है मैंने, काफी लोग देखे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है शादी में। फिलहाल आपने देखे होगा, मैंने तो ऐसा कोई नहीं। आपको इंटरेस्ट है ना, इसलिए आपने नहीं देखे हैं। ऐसा है बिनी, अभी कोई शादी का ऐसा प्लान नहीं है, अभी तो काम पे ही फोकस है, आगे बढ़ना है। आप क्या चाहते हैं, मतलब आप कितना, मतलब क्या आप क्या सोचते हैं, आप मुझे ये बताइए। मैं बस आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, लोगों तक अपनी बातें पहुँचाना चाहता हूँ, जो इल्म है, जो ज्ञान है, जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो लोगों तक पहुँचे अच्छे तरीके से, लोग जाने इन चीज़ों के बारे में, समझें कि इन चीज़ों से भी कुछ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हेल्प करें, दूसरे एक दूसरे की हेल्प करना सीखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं से एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, ये समझें आपके मेरे नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, तकरीबन 60%, हर 10 में से 6 बंदे नॉन मुस्लिम मुझे फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मैं सिर्फ ये सिर्फ वजीफे ही नहीं बता रहा हूँ, ये तो तमाम चीज़ों को लेकर के चलता हूँ, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, जिनसे हम तुम ताल्लुक़ रख रहे हैं, वो चीज़ें लोगों को सुनना जानना अच्छा लगता है, जैसे नॉन मुस्लिम तक फॉलो करते हैं, तो अच्छा बात जी। और कोई सवाल आपका कुछ पूछना है मुझे? और कुछ, आप क्या पीते हैं, कॉफ़ी या चाय? अरे ये तो बाद में भी बातें होती रहेंगी, इसके अलावा कुछ काम का कोई सवाल आपको कुछ पूछना? काम का सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप पूरी ज़िंदगी यही करेंगे या कुछ और भी या कुछ और भी करेंगे आप? बिनी देखिए, ज़िंदगी का हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ यहाँ कुछ पल के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं। आपने सुना होगा कि ये दुनिया जो है किराए का घर है, इस तरीके से तो यहाँ कुछ वक्त के लिए, जब तक है यहाँ, जब तक जिंदगी किराए का घर है,
एक नए एक दिन बदलना। और देखो हम किसी फ्यूचर को नहीं बता सकते, और हम क्या कोई भी नहीं बता सकता, ये तो सिर्फ गैवी चीज़ें हैं। अल्लाह बेहतर जाने क्या क्या किसके साथ क्या होने वाला है। आपने 2018 में ये चीज़ मतलब ये सोशल मीडिया आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले कुछ नहीं, इन्हीं चीज़ों की स्टडी, इन चीज़ों को सीखना, इन चीज़ों के बारे में जानना, इन चीज़ों में इंटरेस्ट मुझे उससे पहले, उससे एक दो साल पहले से जागा था। जब मैंने ट्वेल्थ की थी, जब उस समय ट्वेल्थ में, जिस समय याद नहीं आ रहा, 2016-17 में मैंने उस समय जा कर के ट्वेल्थ के करीब की थी जा कर के, तो उसी समय से इन चीज़ों को मैंने सीखना शुरू किया। और जब मुझे लगा हाँ मैं अब चीज़ों को लोगों को बता सकता हूँ, इनसे जब फ़ायदा हुआ मुझे खुद, जब मैंने इन चीज़ों को देखा, तो फिर मैंने आगे डिलीवर करना शुरू किया। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, और कुछ नहीं पूछना। बिनी ने काफ़ी सारे सवाल किए हमसे मेरी पर्सनल लाइफ। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। बिनी एक बार फिर आना चाहती है नेक्स्ट टाइम। तो अच्छा लगा बिनी से मिलकर के, बिनी काफ़ी चीज़ें जानती हैं, काफ़ी बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं इनके, है ना। अभी यहाँ पर इतना कवर नहीं कर सकते, इंशाल्लाह फिर बिनी आएगी दोबारा से कभी, तो फिर इससे मुलाकात करेंगे। बिनी आप जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मेरे लिए क्या लेकर आएंगे? आपके लिए मैं, आप बताइए, मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपके लिए लेकर आऊँ। क्या लेकर आऊँगी, क्या लेकर आऊँ? आपको पसंद क्या है? पसंद तो सब कुछ है, और फ्री का कुछ भी मतलब तो पसंद ही होता। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपके लिए, तो मैं आपके लिए मोमो पैक करा के लेके आऊँगी। लाइट चली गई है दोस्तों, बिनी मोमो लेकर के आएगी। मोमो के नाम से लाइट चली गई। लाइट चली गई है यहाँ से, तो बिनी मोमो पैक करा करके लाएगी। चलिए देखते हैं कि बिनी मोमो लाती है नेक्स्ट टाइम या फिर नहीं लाती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।